स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड। हमने क्वेश्चन लिए, ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके बाद तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम तो इसको स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, ठीक है, लिखा हुआ क्या है, और इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको इसलिए कहा है कि अगर हमारे पास वाई जो है वो किसके बराबर हो, ए प्लस बी के, ठीक है, वेयर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सॉरी डायरेक्ट वेरी कर रहा हो एक्स से, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि एक्स या ए जितना ज़्यादा होगा दूसरी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक। और बी अप्रोच कर रहा है, और बी डायरेक्ट वेरिएशन किससे कर रहा है, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। कब, जब हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे और वाई की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बार हम चेक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए हमारे पास जो है इसके अंदर दो के आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जब हम डायरेक्ट और वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक के इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब जाहिर है हम एक वैल्यू से एक्स एक्स की वैल्यू से तो के नहीं निकाल सकते। हमारे पास जब दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है तो हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन हो तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ, और अगर उसमें वाई भी हो, दो वेरिएबल हो, तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होती है, फिर जब भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम इसमें भी जो इसके अंदर कॉन्स्टेंट है दोनों के अलग अलग होंगे, जब ही निकाल सकते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स की एक वैल्यू दी गई है, फिर वाई की दी गई है, फिर दूसरी बार उन्होंने दी है कि एक्स जब 2 और वाई 10 हो, ठीक है ना। जब इनके बाद जब हम सारा कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे, फिर हमें क्या देखना है कि डिटर्मिनेंट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, उनके दरमियान रिलेशन देखना है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें देखनी है कब, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हम लिखते हैं वाई, ठीक है। अब वाई हमारे पास किसके बराबर है, अब ए किसके, पहले ए देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है कि ए हमारे पास किसके बराबर है, वेरी कर रहा है किससे, एक्स से, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं लिखूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, के, ठीक है। और एक्स में पहले मरतबा क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब जब इसको 1 रखा तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास के आ गई। इसको मैं कहलाता हूँ के वन, पहला कांस्टेंट है। अच्छा, ये के वन की, और क्या कहते हैं बी जो वेरिएशन का वेरी कर रहा है, डायरेक्ट वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर से, उस टाइम पे हमें एक्स की वैल्यू का क्या रखनी है स्क्वायर, 1, और वाई की वैल्यू रखनी है 4। तो अब मैं वाई की वैल्यू 4 इधर रखूंगा, इधर मैं रखूंगा वाई की वैल्यू रखूंगा, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ए की वैल्यू मेरे पास आई है के वन, ठीक है। और अच्छा, अब मैं देखता हूँ बी की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है, और इसको कॉन्स्टेंट 2 का नाम देते हैं, और हमारे पास एक्स एज इट इज़ और बी इज इक्वल टू हमारे पास के 2, और हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, तो हमारे पास बी की वैल्यू और के 2 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, के 2 एज इट इज़, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, के 2 ही आई है, ठीक है। अब ये के 2 की हमारे पास वैल्यू कब आई है, जब हमारे पास, मैं लिख भी देता हूँ एन, जब हमारे पास जो है एक्स को हमने 1 रखा और वाई को हमने 4 रख के चेक करना है, ठीक है स्क्वायर, वाई को 4 रख के अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो मैं देखता हूँ वाई मैंने 4 रखा, ठीक है, इसी इक्वेशन ये मैं लिख, ठीक है, हमें कुछ ऐसे ही निकालना है, ठीक। अब वाई को मैंने 4 रखा, ठीक है स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है के 1, ठीक है, और के, और बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, के 2 ही आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये के वन और के टू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें के टू और के की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन हो, जिस तरीके से हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, ठीक। तो अब हमें वाई की वैल्यू ये हमने जो चेक करी है, हमारे पास इक्वेशन 1 कह लो इसको, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1, और हमने जब चेक करी है इक्वेशन 1 चेक करी, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने चेक करी, जो कि हमारे पास आई है के 1 प्लस हमारे पास के 2। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेन 1 मैंने जो लिखा है, ये जो आई है इसको कह लेता हूँ इक्वेन 1 ही। अब इसको इक्वेन 1 का नाम इसलिए दिया है कि हमारे पास जब हमने देखा कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, जब हमने एक्स को 1 रखा था और वाई को 4 रखा था, ठीक है। अब हम रखेंगे वाई को 2, वो सॉरी एक्स को 2 रखेंगे और वाई को 10 रखेंगे, ठीक है। इसको बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, देख ली हमारे पास सिंपली जो है
मैं लिखूंगा एक, पहले एक की वैल्यू देखूंगा। अब एक की वैल्यू हमें कब देखनी है, जब हमारे पास वाई 10 और एक्स 2। तो एक्स अप्रोच कर रहा, सॉरी एक्स वेरी कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है, और हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास है कुछ, ठीक है, इसको मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्स, बात समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूँगा, के और एक्स, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू के और इस, ठीक है, अब मेरे पास ए किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर्स, के इज इक्वल टू हमारे पास ये 2 रखना है, ठीक है, और हमारे पास बी अब कितना आ जाएगा, हमारे पास के और 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, ठीक है ना, इसको के 2 ही रखते हैं ना, इसको के 1 का नाम रखते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर्स, ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ए हमारे पास किसके बराबर आएगा स्क्वायर्स, के 1 और 2 के, ठीक है ना, यानी 2 के हमारे पास है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्क्वायर्स, बी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास बी इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया है, के 2 और हमारे पास 4, ठीक है ना, 4 के हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इसको इक्वेंट 2 बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूँ व्हेन, हमने हमने कब चेक किया इसको, जब हमारे पास व्हेन एक्स हमारे पास इक्वल टू 2 था, ठीक है, और हमारे पास वाई इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब वाई इक्वल टू हमने 10 तो चेक किया ही नहीं, तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है, इसको इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो है स्क्वायर्स वाई, ठीक है, सॉरी वाई इक्वल टू हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, अब हमें कब चेक करना है, जब हमारे पास एक्स हमने 2 रखा है, ठीक है ना, पहले हमारे पास वाली वैल्यू आ गई, अब इधर मैं वाई की वैल्यू क्या रखूँगा, स्क्वायर 10 रखूँगा, 10 इक्वल टू हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू हमें दूसरी बार कब चेक करनी थी, जब हमने एक्स 2 रखा था वो तो हमने चेक कर लिया, वो वैल्यू आई है हमारे पास 2, ठीक है, और पहला कॉन्स्टेंट, ठीक है, और हमारे पास 4k और दूसरा कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ, इनके अंदर देखिए 2 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और मेरे पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस k पहला कॉन्स्टेंट प्लस और 2, द 2 बचेगा 4 की जगह 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करूँगा, या तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा, तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो 2 है, हमने जब इसे चेक किया, हमारे पास क्या आई है, के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है 5 बराबर किसके आया है, के 1, ठीक है, सॉरी के 1 हमारे पास प्लस 2 टू के और, ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमारे पास, अब हम के की और क्या कहते हैं, के 1 के की और के 1 की, के 2 और के 1 की वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू जो है 3 रख के फिर हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, पहली इक्वेशन जो है मेरे पास ये वाली, तो ये मैं कह सकता हूँ मेरे पास किसके बराबर है, के 1 हमारे पास बराबर है के 2 के, ठीक है, के 1 इधर आ जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस के 1 इक्वल टू हमारे पास के 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये एक सेपरेट कर ली है, ठीक है, इधर के 2 मैंने नहीं लिखा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ये वाली वैल्यू जो है के 2 की, उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि हमारे पास इक्वेंट 2 है, ठीक है, हमारे पास 5 बराबर आया किसके, के 1 के, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो है प्लस क्या हो रहा है, इसमें प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा, के 2, ठीक है ना, तो 2 तो एज इट इज लिखा मैंने। अब 2 उसके बाद मेरे पास के 2 की वैल्यू क्या आई है, 4 माइनस के 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास क्या होगा, सिंपली मेरे पास होगा ये हो जाएगा के 1, हमारे पास होगा प्लस, ये हमारे पास 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस 2k1, ठीक है स्क्वायर्स। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा 5, इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास इधर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस k1, ठीक है स्क्वायर्स। अब हमारे पास क्या होगा, ये वाली अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरे पास क्या बचेगा स्क्वायर्स, मेरे पास बचेगा माइनस 3 और हमारे पास माइनस k1, ठीक है। अब k1 की जो वैल्यू आई हमारे पास माइनस 3 आई, अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ इधर भी, अगर दोनों इक्वालिटी के इस तरफ भी और उस तरफ भी हमारे पास कोई क्वांटिटी माइनस में हो तो वो प्लस ही होती है, अगर मैं इसका 1 इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास ये
पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। इक्वल है कि एक तरफ हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई सब तरह की एडिशन करते तो दूसरी तरफ भी करते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर्स जो है के वन की जो वैल्यू आई है, हमारे पास क्या आई है स्क्वायर्स के वन की, हमारे पास वैल्यू आ गई है के वन इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया है, 3 के, ठीक है स्क्वायर्स। और अब हम देखते हैं के टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हम के टू की वैल्यू इसको सही से देखते हैं, हमारे पास 4 बराबर है के वन की जगह मैं लिखूंगा 3, और हमारे पास जमा जो है के टू, ठीक है ना, के टू। अब जो होगा मेरे पास जो होगा 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -3 इक्वल टू के टू, और इसमें से हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। और हमारे पास के टू की वैल्यू स्क्वायर्स क्या आ गई है, 1, ठीक है स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स देखिए हमने क्या कहते हैं, ए जो था इसका कांस्टेंट, हमने इनके दरमियान जो कांस्टेंट था हमने इसका भी कांस्टेंट निकाल लिया, और ये वाला भी कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो के वन इसके जो कांस्टेंट आया है, जो कि हमारे पास क्या आया स्क्वायर्स, हमारे पास 3 आया, ठीक है। और बी जो अप्रोच कर रहा था एक स्क्वायर से, उसका जो कांस्टेंट आया हमारे पास 1 आया, ठीक है स्क्वायर्स। हमारे पास दोनों के कांस्टेंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक्स को हम 3 रखेंगे, ठीक है ना स्क्वायर्स। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब देखिए स्क्वायर्स हमारे पास सिंपली क्या होगा, मैं लिखूंगा वाई हमारे पास जो किसके बराबर है, ए प्लस बी के, ठीक है। अब वाई वाई की वैल्यू निकालनी जो कि हमें एक्स 3 रखना। अब एक स्क्वायर्स हमारे पास किसके बराबर आया था ये देखिए, एक्स जो है हमारे पास जो है, अगर मैं दोबारा से देखूं, हमारे पास जो है ए किसके बराबर है, के एक्स के, ठीक है स्क्वायर्स। यही बात है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है, एक्स ऐसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और जब हम इसको मिटाएंगे तो ये सॉरी इस साइन को ख़त्म करेंगे वेरिएशन के, तो हमारे पास के एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब के की वैल्यू निकाल ली हमारे पास ए की, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा स्क्वायर्स, अगर मैं देखूँ के हमारे पास किसका आया, के वन हमारे पास आया 3 के बराबर है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू स्क्वायर्स हमें क्या रखनी है, 3 रखनी है, ठीक है। अब बी देखते हैं स्क्वायर्स, अब बी देखूं मैं अगर, तो बी मेरे पास किसके बराबर आया है, बी हमारे पास आया है के टू, यानी इसकी वाला जो कॉन्स्टेंट था हमारे पास 2 के बराबर आया। अब बी अप्रोच कर रहा है किसको, एक्स को, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं के और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर्स मेरे पास क्या होगा, देखिए इक्वल टू हमारे पास इसका जो कॉन्स्टेंट निकाला था मैंने, क्या निकला था हमारे पास, निकला था के वन निकला था, ठीक है ना। के टू का जो कॉन्स्टेंट था हमारे पास वो 1 निकला था, ठीक है। और हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है इसको इस बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर्स 9 आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात समझ में आ रही होगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, स्क्वायर 9 आई है, प्लस हमारे पास बी की वैल्यू 9 आई है, तो ना तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर्स 18 हो जाएगी। तो स्क्वायर्स ये था इसका फाइनल आंसर। और स्क्वायर्स हमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए उसने कहा है कि वाई का रिलेशन एक्स से मालूम करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के वन एक्स, ठीक है। और हमारे पास प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर्स, बी की जगह में बी नहीं लिखना है, एक्स लिखना है, ताकि उसका एक रिलेशन हमारे पास बन जाए, सही ना, के टू और हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमने इसका रिलेशन बना लिया जो उसने कहा था, बस उसने ऐसा ही कहा था कि बनाना, इससे कोई इतना कोई मेरी नज़र में ये कोई अहमियत का हामिल नहीं है। हमें फाइनल आंसर जो निकालना था वो यही था, बस रिलेशन ऐसा ही था, बाकी हमने निकाल लिया इसका रिलेशन, देखिए कुछ इस फॉर्म में बनना है, ठीक है ना। इसको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।